हर साल कोसी में बाढ़ की मार कोसी वासी झेलते आ रहे हैं। हर साल आशियाना बदलना पड़ता है। बना बनाया हुआ घर को उजाड़ कर लोग दूसरे जगह ले जाते हैं। घर उजाड़ते समय बाढ़ पीड़ितों का दर्द आप देख नहीं पाएंगे। आंखों से गिरता पानी आपको मर्माहत कर देगा। जहां कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण नवहट्टा प्रखंड अंतर्गत रसलपुर, बिरजैन, कुंदा, झारवा, बकुनिया सहित तटवन के अंदर बसे दर्जनों गांव में पानी घुसा हुआ है। लोगों का घर कोसी नदी में समा रहा है। ग्रामीण डरे सहमे में है। ग्रामीण अब ऊंचे स्थान पर अपना सामान लेकर जाने को मजबूर है। वहीं पलायन कर रहे ग्रामीण विद्यानंद यादव की माने तो कोसी नदी में हम लोगों का घर कट गया है, साथ ही साथ बहुत लोगों का घर कट गया है। काफी परेशानी हो रही है। हम लोगों को गांव से भागकर ऊंचे स्थान आए हैं और छोटा घर बना रहे हैं। कोसी में घर कट गया, बहुत आदमी का घर कट गया। हम लोग को बहुत परेशानी हुआ, बहुत घर भस भी गया। हम लोग वहाँ से भाग करके अपना ऊंचा स्थान पर एक छोटा मोटा घर बना रहे हैं, अपना परेशानी उठा करके। विभाग के द्वारा कोई राहत सामग्री नहीं दी गई है? नहीं, कोई दौर नहीं आया सर। क्या हुआ है? कोसी में घर कट गया सर, हम लोग को बहुत दिक्कत हो गया, घर भाग गया। बहुत आदमी का घर कट रहा है, अभी बहुत सामान बर्बाद हो गया। आप लोग कहाँ बसने के लिए आए हैं? ऊंचा जगह पर सर, ऊंचा जगह पर बसने के लिए आए हैं। घर क्या नाम है आपका? विद्यानंद यादव। वहीं पलायन कर रही महिला राम सती की माने तो हम लोगों का घर कोसी नदी में फंस गया है। अभी हम लोग बांध पर बसने आए हैं। सरकार कोई मदद नहीं कर रहा है, न ही प्लास्टिक दे रहा है और न ही कोई सुविधा सरकार की तरफ से मिल रही है। घर बनाए थे वो भी कोसी नदी में बह गया है। क्या करे, सरकार कोई मदद ही नहीं कर रहा है। कोसी में सब कट गया? हाँ, सब कोसियों में कट गए। इंदिरा बादल के बनवे, सरकार कल के बनवे ला काट लिए दोनों भाई को भैंस गए। तो कहाँ अभी तू सब बसे ले ला, कहाँ रह रहा? अब अखन अठिन रह माने पर कत्ता जी बने। वो प्लास्टिक दे छे सरकार ने, पूछ दे छे की करबे। की नाम भला अहाँ के? हम राम सती। सब सामान भैस गला? सब सामान भैस गला। की नाम अहाँ के? आशा देवी।